देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वक्ता, कवि और एक सच्चे निष्ठावान नेता, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, एक महान विचारक को आज राष्ट्र ने खोया ही नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म व आघात लगा है जिसे बहुत आसानी से भरा नहीं जा सकता। वे न जाने कितने ही पुरस्कारों से सम्मानित आत्ममंथक और हर एक राजनेता के लिए राजनीतिक के जीवन के भीष्म पितामह थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अपने पिता तुल्य समझते थे, आज उनकी अंतिम यात्रा में वे 5 किलोमीटर तक पैदल चले। सुरक्षा की उनको कोई चिंता नहीं थी। जिस प्रकार एक आम व्यक्ति और उनके रिश्तेदार आजकल गाड़ियों में चलने का प्रचलन है, गाड़ियों का एक रिवाज सा बन गया है, किसी की अंतिम या शव यात्रा में भी अगर जाना हो तो गाड़ियों पे लोग जाते हैं, इसका रिवाज बन चुका है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये एक सामाजिक संदेश देने के साथ साथ अपने पिता तुल्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अंतिम विदाई देने के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चले। उन्होंने सारे नियम और प्रोटोकॉल से परे इस कार्य को निभाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, उन सब को निभाते हुए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने चलते चलते जरूर सोचा होगा कि आज मैंने एक उस शख्सियत को खो दिया जो उनके राजनीतिक जीवन में भी एक पिता और गुरु से कम नहीं थी। उनकी इस अंतिम यात्रा में अनेकों मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा प्रतिपक्ष नेता नहीं था जो उनकी यात्रा में शामिल न हुआ हो। आज उनकी अंतिम विदाई में भारतवर्ष से लाखों लोग इसमें शामिल हुए। 5 किलोमीटर तक की ये पैदल यात्रा थी और इसमें न जाने असंख्य लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए रास्ते में पहुंच रहे थे, फूल बरसा रहे थे, आंखें उनकी नम थी। चलते चलते वे सोच रहे थे कि काश एक बार उनके अंतिम दर्शन हो जाएं। भारी भीड़ थी, सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था थी, लाखों लोगों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनके साथ 5 किलोमीटर तक पैदल चले। जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए थे, आप देख सकते हैं अपार जन समूह उनसे घिरी हुई फूल मालाओं से सुसज्जित, तिरंगे से सजा हुआ उनका देह जो अंतिम पथ पर चलते हुए, वहीं शव वाहन के पीछे पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ चल रहे हैं।